हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं रिमी। इस वीडियो में आप देखेंगे ये खूबसूरत वॉल पेंटिंग। एक्चुअली ये मेरी नई घर की फर्स्ट पेंटिंग है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, आपको बहुत पसंद आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको स्केल से सीधा एक लाइन ड्रॉ करना है। आप एकदम लाइट करके मार्क करें और स्केल का यूज करें। और कलर में यहाँ ब्लैक कलर यूज कर रही हूँ। और ये है एक्रेलिक कलर, फेविक्रिल के एक्रेलिक कलर। आप कोई भी ब्रांड के एक्रेलिक कलर यूज कर सकते हैं। एकदम हल्के हाथ से कीजिए। और ब्रश बहुत ज़्यादा ड्राई होना चाहिए, पानी में ब्रश एक बार भिगोने के बाद उसको अच्छे से वाइप करें। नहीं तो थोड़ा सा भी अगर पानी ज़्यादा रहे ना तो क्या होगा, वॉल से एकदम टपक टपक के गिर के वो कलर एकदम खराब हो सकती है। तो ब्रश अच्छे से, कोई कॉटन का कपड़ा आप यूज़ कर सकते हैं या फिर आप टिश्यू पेपर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। और कलर अपने मनपसंद के कलर यूज करें, बट ये ज्यादा ब्लैक कलर ही ज्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ एक्चुअली ये घर हमें नई मिला है, एकदम नया। और बहुत सारे सारे वॉल्स अभी खाली है, तो मैं सब वॉल के ऊपर डिजाइन कर सकती हूँ और आपके साथ शेयर भी कर सकती हूँ। तो ये पहली डिजाइन है वॉल के ऊपर। और कलर यहाँ मैं गोल्डन येलो कलर यूज कर रही हूँ फ्लावर के लिए। पहले फ्लावर को बना लीजिए। मैं यहाँ 8 नंबर के फ्लैट ब्रश यूज कर रही हूँ। आप इसको राउंड ब्रश से भी आप कर सकते हैं। ये फ्लावर आप जितना कलर यूज करेंगे तो ही ज्यादा अच्छा होगा, बहुत ज्यादा कलरफुल होगा। अब यहाँ मैं रेड कलर यूज कर रही हूँ। ये सारे फ्लावर आप राउंड ब्रश से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई एक दो छोटी छोटी फ्लावर भी बना लीजिए तो बहुत ज्यादा खूबसूरत होगा। और इसके लिए मैं राउंड ब्रश यूज कर रही हूँ, 4 नंबर के राउंड ब्रश। अब फ्लावर के सेंटर पे मैं यह व्हाइट कलर यूज कर रही हूँ। अब यहाँ येलो के ऊपर व्हाइट अच्छा नहीं लग रहा है, इसके ऊपर बाद में मैं ब्लैक कलर दे दूंगी। ब्लैक या ब्लू आप कोई भी कलर दे सकते हैं। अब यहाँ मैं व्हाइट कलर यूज कर रही हूँ। एक्चुअली ये पेंट पूरा देखने के बाद ही आप पेंसिल से आउटलाइन बना सकते हैं, नहीं तो पेंसिल में मैं जब बना रही थी तो एक्चुअली मैं बहुत लाइट करके कर रही थी, तो इसलिए कैमरे में वो बिल्कुल नहीं हो रहा था। मैं कितना भी जूम कर रही हूँ फिर भी नहीं हो रहा है। अब यहाँ ग्रीन कलर से इस तरीके से ब्रांचेस बना सकते हैं। अब ब्राउन कलर भी यूज कर सकते हैं। और इस तरीके से फ्लैट ब्रश से लीव्स को बना लीजिए। मैं यहाँ 4 नंबर के फ्लैट ब्रश यूज कर रही हूँ। देखिए पहले हमें फ्लावर को बना लेना है। अब यहाँ मैं 0 नंबर की राउंड ब्रश यूज कर रही हूँ। इसको बहुत हल्के हाथ से कीजिए। अब यहाँ आप देख सकते हैं एकदम लाइट करके मैंने पेंसिल से आउटलाइन भी किया है। फ्लावर बनाने के लिए मैं कोई आउटलाइन नहीं किया है, बट अब आउटलाइन बना के कर सकते हैं। और इसको तो जरूर आउटलाइन बनाइए, उसके बाद ही करें मैं आपको बोलूंगी, नहीं तो लाइंस इधर उधर हो सकते हैं। ड्राइंग शीट के ऊपर कोई बात नहीं, बट अगर जब वॉल के ऊपर करते हैं तो थोड़ी सी टफ हो जाती है और हम ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि ये सही होगा कि नहीं। ये सब एक्चुअली मेरे कैमरे में बैटरी वो खत्म हो गई थी, तो इसलिए ये पेंट आप देख सकते हैं। ये रात ऑलमोस्ट 10:30 बज चुके थे, इसलिए थोड़ी सी ज्यादा डार्क लग सकते हैं आपको। और वॉल के ऊपर बहुत सारे पेंटिंग अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं, मेरे चैनल पे मिल जाएगी आपको। प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है,
आप देख सकते हैं स्विच बोर्ड के ऊपर भी है। ये देखिए यहाँ मैं ब्लैक कलर यूज कर रही हूँ और सेम इसको भी यहाँ बनानी है। अब इसके अंदर ना आप बार्ड भी बना सकते हैं, बट मैं घर पे ऐसे कोई बंद करके मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इसके अंदर बार्ड नहीं डाली थी। मैं सोच रही थी एक बार इसके अंदर बार्ड की पेंटिंग के लिए पूरे ब्लैक कलर से, फिर मैंने पापा से पूछा तो मेरे पापा ने कहा घर पे ऐसे कोई बंद करके आप ना रखो तो ही अच्छा है। आई मीन एक पेंटिंग है, फिर भी आप इसको बना सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। यहाँ देख सकते, तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है बट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और फिर से मैं यहाँ ग्रीन कलर यूज कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर अगर थोड़ी सी ब्रांचेस नहीं बनाती ना तो एकदम बहुत ज्यादा खाली खाली लग रहा था, मुझे लग रहा था ऐसा। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं या फिर बना सकते हैं। मैं आपको बोलूंगी थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आप बना लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। और ये सच में इतना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ मेरे घर पे एक्चुअली फ्लावर की कमी थी तो ये एकदम पूरा हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और आप कोई भी क्वेश्चन के लिए आप पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। और आप किस टाइप के डिज़ाइन देखना पसंद करते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। अब यहाँ मैं फ्लावर बना रही हूँ छोटी छोटी, बट फ्लावर आप कैसे देखेंगे, मेरी हाथ ज़्यादा आ रही है कैमरा के आगे। पेंट जब करती हूँ तब मुझे उतना ध्यान नहीं होता है, आई एम सो सॉरी, बट ये सेम फ्लावर है। अब ये लीव्स के अंदर एक वाइट कलर की देखिए एक लाइन, एकदम कंप्लीट एक लुक देने के लिए, अच्छा लग रहा है ना ज़्यादा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वेरी वेरी गुड डे। और ये देखिए आफ्टर कंप्लीट, थैंक यू सो मच, बाय।